आज हमारा रिविजन टेस्ट 3 है, जिसमें राइटिंग स्किल्स आपके सिलेबस में है RT 3 के लिए. ओके, आई होप यू हैव प्रिपेयर्ड वेल. आपको पता है राइटिंग स्किल्स कैसे लिखनी है. आप लोगों को मैं सारा फॉर्मेट बता चुकी हूँ, कितने मार्क्स का क्या है. ठीक है, जिसमें ढाई ढाई नंबर के दो नारा लेखन है, दो संवाद है ढाई ढाई नंबर में, उसके बाद संदेश है ढाई ढाई नंबर में, उसके बाद 5 नंबर का पत्र है और 6 नंबर का अनुच्छेद. राइट, आपसे मैंने जब संवाद डिस्कस किया था तो मैंने आपको ये बात कही थी कि आपने अब 2.5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली संवाद लिखना है. पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था संवाद लेखन कैसे किया जाना चाहिए. मैंने आपको बेटा ये बात कही थी कि जब भी आप संवाद लिखेंगे, आपका संवाद 6-7 डायलॉग से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, 6-7 डायलॉग से ज्यादा आपका संवाद नहीं होना चाहिए और उसमें स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए. एक ही बात में आप कई बातें लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है. और आप हेलो हाय कैसे हो ठीक हूँ ये सब नहीं लिखेंगे. लास्ट में धन्यवाद चलता हूँ अलविदा ऐसे नहीं शुरू करना और खत्म करना. ठीक है, संवाद मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें कोई मैसेज होना चाहिए, जो बात आप कहना चाहते हैं. पिछली बार आपको याद होगा जब हमने एग्जाम दिया था तो बहुत लंबे लंबे संवाद लिखे थे और बहुत सारी बातें हमें समझ ही नहीं आ रही थी, है ना. थैंक यू बेटा. आपको क्वेश्चन को थॉरली समझना है फिर संवाद लिखना है. उसके लिए यू विल बी हैविंग एम्पल ऑफ टाइम, बशर्ते आपके चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो. अगर आप चैप्टर्स के क्वेश्चंस सोचना शुरू कर देंगे तो आपको राइटिंग स्किल करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी. टाइम 1.5 घंटा है, टाइम ध्यान में रखकर चलना. 3 घंटे का पेपर नहीं है, 40 मार्क्स और राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा. आपके पास बड़े बड़े पेज भरने का टाइम नहीं है. पिछली बार हमें ये प्रॉब्लम आई थी कि हमारा पेपर छूट गया, राइट. और इस बार 2 संवाद लिखने हैं, 2 नारा लिखने हैं, संदेश है, पत्र है, अनुच्छेद है. वी नीड टू मैनेज द टाइम. हम इधर उधर देखकर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते. इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ, नारा 2 लाइन का नारा लिखना है, कितना टाइम लगता है उसमें. हमारी प्रेपरेशन उस तरीके से होनी चाहिए, हमारी प्रेपरेशन उस तरीके से होनी चाहिए. हमने 6 महीनों में कितनी रीडिंग की है, कितना अपने आप को प्रिपेयर किया है. ठीक है ना, बहुत टाइम से हम यही डिस्कस कर रहे हैं ना कि मैक्सिमम रीडिंग करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस करो. जितनी रीडिंग करोगे, जितनी बुक्स देखोगे, उतना ज्यादा हम अच्छे से उसको लिख सकते हैं. कितनी हमने रिटन प्रैक्टिस की है यहाँ पर. ठीक है, उस तरीके से आप लोगों ने लिखना है संवाद. में बार बार बोल रही हूं 6-7-8 डायलॉग से ज्यादा नहीं लिखना, और उसमें एक मैसेज होना चाहिए. जो भी आप संवाद लिखे, शॉर्ट लिखे, अच्छा लिखे, मीनिंगफुल लिखे, विद मैसेज लिखे. याद है हमने जंक फूड वाला पढ़ा था, है ना, उसमें कितना शॉर्ट सा, कितना अच्छा सा लिखा हुआ था. बच्चा कहता है कि माँ मेरा पेट दर्द हो रहा है. माँ पूछते है तुमने आज क्या खाया, बाहर से कुछ खाया था. हाँ मैंने एक बर्गर खाया. माँ उसको उसी में समझाती है कि बेटा हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, तुम्हारा पेट पहले भी ठीक नहीं रहता है. अगर तुम ये सब चीजें खाओगे तो तुम अक्सर ही बीमार रहोगे, तुम्हारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी. ठीक है, तो बच्चा कहता है ठीक है माँ, मैं आगे से ध्यान, मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा. और आपकी बात मानते हुए
मैं अच्छा खाना ही खाऊंगा, बाजार का खाना नहीं खाऊंगा। दैट्स इट। कितना छोटा सा प्रिसाइज है, उसमें मैसेज भी है, उसमें जंक फूड के बारे में बात भी की गई और फटाफट से खत्म भी हो गया, लिखने में को टाइम नहीं लगता उसको। ठीक है, इज इट क्लियर? किसी को संवाद में कोई डाउट अभी भी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? एनी डाउट? नो? हाँ, भी उपहार आ रहा है। कौन सा उपहार? पिता और पुत्री के बीच उपहार संबंधी किसने लिखा है? हाँ जी, पूछो। बस ऐसे ही ठीक है माँ, मैं भविष्य में संतुलित आहार ही खाऊंगा, मैं कभी भी बाहर से खाना नहीं खाऊंगा। बात खत्म। ठीक है, चलता हूँ, अलविदा, फिर मिलेंगे। नो, क्योंकि माँ और बेटा बात कर रहे हैं, उसने कहाँ जाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सन जिसके बीच में संवाद हो रहा है और क्या टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे दो मित्रों के बीच में संवाद है तब आप उसको कह सकते हैं। राइट, एनी अदर डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? बोलिए। उपहार संबंधी पिता और पुत्री के बीच में। पुत्र, पिताजी मैं कुछ मांगना चाहता। पिता, हाँ, तुम्हारा जन्मदिन जो आ रहा है तो हर बार की तरह इस बार भी इस उपहार के संबंधना। आपने ऊपर लिखा नहीं उपहार संबंधी पिता और पुत्र के बीच में संवाद? नहीं, आपको मैंने ये बताया था कि जब भी आप संवाद शुरू करेंगे, शुरुआत में आप ऊपर एक लाइन लिखेंगे, पिता और पुत्र के बीच में उपहार संबंधी बातचीत हो रही है। ठीक है, ऐसे कितना वेग सा लगता ना कि तुमसे सीधा लिखा पुत्र, पिताजी मैं कुछ मांगना चाहता हूं, बहुत वेग लग रहा है। ठीक है, ऊपर आप एक लाइन लिखेंगे। चलिए, पिता और पुत्र के बीच में जन्मदिन के उपहार संबंधी संवाद। पुत्र, पिताजी मैं कुछ मांगना चाहता। पिता, हाँ, तुम्हारा जन्मदिन जो आ रहा है तो हर बार की तरह इस बार भी किसी उपहार की संवेदना ही हो। उपहार की संवेदना? संवेदना, संवेदना होता है इमोशंस, जागृत नहीं होता। नहीं, संवेदना, इमोशंस, संवेदनाएं, इमोशंस। तुम्हें किसी उपहार की इच्छा होगी? इच्छा, इच्छा हो। ठीक है, पुत्र, एक नई स्मार्ट वॉच आई है जो मुझे बहुत पसंद है। एक नई घड़ी आई है जो मुझे बहुत पसंद है। हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, स्मार्ट वॉच नहीं लिखेंगे। एक नई घड़ी है जो मोबाइल की सहायता से चलती है, मुझे वह घड़ी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है बेटे, अवॉइड करो इंग्लिश वर्ड लिखना। हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ, जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे। अक्सर महंगी चीजें ही अच्छी होती है पुत्र जैसा। ओके, इसमें आपको ऐसे नहीं लगा कि एक एक दो दो शब्दों के संवाद बहुत ज्यादा हो गए? देखेंगे, देखा जाएगा, देखते हैं। हमने बात को मीनिंगफुल बनाना है। इसमें कोई मैसेज मिला? नहीं मिला। मैंने अभी क्या कहा था? होना चाहिए। किसने लिखा है बताइए रमनी? पिता पुत्री के बीच जन्मदिन के उपहार को लेकर संवाद चल रहा है।
पिता जी मेरा जन्मदिन आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं अपना जन्मदिन कुछ अच्छा कार्य करके मनाऊं। पिता मेरा भी यही विचार था, इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गरीबों में कपड़ा बांटना चाहता हूँ और सबकी सहायता करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा विचार है पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ की हम यह काम करने को समर्थ है। पिता एक और खुशखबरी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें घड़ी देना चाहता हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारा काम करने में आसानी हो। धन्यवाद पिताजी मेरी भावनाओं को समझने के लिए और मेरी खुशी को आसान बनाने के लिए। जो शुरू का लिखा है वो थोड़ा ज्यादा है, हमने उपहार पर कंसंट्रेट कर दिया, आपने गरीबों की मदद पर कंसंट्रेट किया, ठीक है ना, थोड़ा सा टॉपिक से हट गए। जो बाद वाला है उसका आपसे बेटर था क्योंकि उसका कंसंट्रेशन उस पर रहा, टॉपिक से हटा नहीं, आप टॉपिक से हट गई, ठीक है। हाँ जी अर्शप्रीत, उपहार की बात कहाँ हुई, बस आपको क्या उपहार चाहिए, मैं ये करना चाहती हूँ, ये जन्मदिन मनाने संबंधी हो गया कि जन्मदिन कैसे मनाना है, उपहार की बात तो हुई नहीं इस। आप दोनों से बेटर युग का संवाद, हम प्रैक्टिकल लिखना चाहिए ना। हाँ लेकिन उसमें शब्दों को और जोड़ा जाना चाहिए, एक एक दो दो शब्द भी नहीं लिखे जाने चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए, इसका तुम्हारे लिए क्या फायदा है। वो कहता है कि मैं पढ़ूंगा, वो कहता है कि पढ़ाई तो तुम्हें वैसे करनी चाहिए तो तुम स्मार्ट वॉच से कैसे पढ़ोगे, है ना। वो कहता है पर मेरे मित्र ने भी लिया इसलिए मुझे चाहिए, तो उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि हमें मित्रों के अनुसार नहीं चलना चाहिए, हर किसी की अपनी अलग इच्छा होती है, ठीक है। अपना एक उसके पिताजी ने उसको घड़ी लेकर दी, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं भी तुम्हें लेकर, तुम्हें उपहार मिलेगा लेकिन वह उपहार मिलेगा जिसे पाकर तुम खुश भी होगे और जो तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा। धन्यवाद पिताजी, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा जाना चाहिए। हाँ हमें अपनी चादर के अनुसार अपने पांव पसारने चाहिए, अभी हमें इस घड़ी की आवश्यकता नहीं है, समय आने पर तुम्हें यह घड़ी भी मिल जाएगी। इस तरह से कुछ लिखना चाहिए, आप दोनों टॉपिक से बिल्कुल ही हट गई, ठीक है, क्लियर। हाँ जी वाह, आपने लिखा है जन्मदिन की बात भी हुई
उपहार के बाद भी हुई, उसने उपहार मांगा भी, ठीक है, और जो एक तरीके से बात खत्म होनी चाहिए वो भी हुआ, ठीक है। इसमें टू एंड हाफ ऑन टू एंड हाफ अगर स्पेलिंग एरर्स ना हो तो, ठीक है। हमें बहुत वेग नहीं लिखना, टॉपिक से हटकर नहीं लिखना, उसको समझ कर लिखना, क्लियर, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी ने लिखा हो, कोई इसको पढ़ना चाहता हो तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। नो वन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है नारा लेखन। नारा लेखन की हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप सबको पता है कैसे लिखा जाता है। हमने दो या चार पंक्तियों में से लिखना होता है। आप इनवर्टेड कॉमा शुरू करेंगे, नारा लिख लेंगे और इनवर्टेड कॉमास बंद करेंगे, ठीक है। अगर तो किसी का कहा हुआ नारा है तो डबल, अदरवाइज सिंगल। किसी का कहा हुआ मतलब लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। ये मैंने कहा था कि ये पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली दूसरे नारे ही पूछे जाते हैं, जनरल टॉपिक्स दिए जाते हैं नहीं, ठीक है। आपको टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने नारा लिखना है, कॉमा लगाना है, ये इनवर्टेड कॉमास लगाना मत भूलिएगा, ओके। हां जी, दो लाइनों में चार है नहीं, उसको स्प्लिट कर लो ना, या थोड़ा बड़ा हो जाए, फोर लाइंस में आ जाए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है संदेश लेखन। संदेश लेखन का फॉर्मेट आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, मैंने कॉपी में देखा था, आपने बॉक्स बनाना है, सारा काम पेन से करना है, पेंसिल नहीं यूज करनी। नारा में बॉक्स नहीं है, नहीं, नारा में बॉक्स नहीं है, बॉक्स सिर्फ संदेश में है और कहीं नहीं है, ठीक है। संदेश लेखन कैसे करेंगे हम, कौन बताएगा, कीर्तिमा बताएंगी, कीर्तिमा बताएंगी कैसे लिखते हैं संदेश, दिनांक, हां जी, हां जी, आप बताइए बेटा, हाँ, ओके 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 फाइन। हाँ, हविश कैसे लिखते हैं संदेश, बैठो बैठो, ओके ओके, ओके, एनीथिंग एल्स, समय नहीं लिखते हैं हम, नहीं, डेट इज दिनांक, ठीक है। आप अपना नाम लिखेंगे या डैश नाम लिखेंगे, डैश नाम, अपना नाम नहीं लिखना, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे दिनांक, दिनांक के बाद प्रिय मित्र। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम संदेश लिखने के बजाय ना पत्र लिखना शुरू कर देते हैं, पत्र नहीं लिखना, मैं खुश हूँ, आशा है तुम भी खुश हो गए, तुम्हें बधाई हो, नो, आपने इसको संदेश की तरह लिखना है, जिसमें आप कोटेशंस लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे दीपावली की है, ऊपर एक कोटेशन लिखो, नीचे लिखो मेरी और मेरे परिवार की ओर से तुम्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि और धन वैभव से भरा रहे। समृद्धि क्या होता है, समृद्धि क्या होता है,
ठीक है, उससे भरा रहे, कुछ भी आपको पता है, इतने सारे आपको मैसेजेस आते हैं, संदेश आते हैं, जो आपको मैसेज आता है ना, फोटो बनी होती है, वही मैसेज है, वही संदेश है, उसमें आपको पता होगा नीचे किसी ने लिख रखा होता है रिगार्ड्स, अपना नाम भी लिखा होता है, फैमिली मेंबर्स का भी लिखा होता है, या अपनी कास्ट लिखते हैं सो एंड सो फैमिली, है ना, इस तरह से लिखा होता है, उसमें सिर्फ एक चेंज है, डियर डियर फ्रेंड भी ऊपर कहीं लिख रखा होता है ना, उसमें एक ये है कि आपने दिनांक जरूर लिखी है, दिनांक सिर्फ न्यूमेरिकल्स में चलेगी और किसी फॉर्मेट में नहीं चलेगी, ठीक, दिनांक, प्रिय मित्र, संदेश लिखो, साइड से पिक्चर बनाओ, व्हाटसोएवर जो भी आप बनाना चाहते हो, नीचे तुम्हारा मित्र, आपका पुत्र, कुछ भी, डैश नाम, नहीं, क्लियर, ठीक है, कुछ नहीं, कोई डंडी नहीं होता है, हिंदी में होता है पूर्ण विराम, ठीक है, कोई कॉमा नहीं है, कोई पूर्ण विराम नहीं है, कुछ नहीं है, सेंटर में जो है सो है, सेम पत्र के फॉर्मेट में भी ऊपर और नीचे का जो फॉर्मेट होता है उसमें कोई भी पूर्ण विराम या कॉमा नहीं होता, उसमें भी जो सेंटर में आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं उसमें हम कॉमा या पूर्ण विराम लगाते हैं, क्लियर, एनी डाउट, किसी तरह की कोई समस्या कुछ समझ में नहीं आया, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पत्र, अनौपचारिक पत्र है आपको सिलेबस में, अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है फॉर इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर आप किसको लिखते हो, हाँ जी लीजा, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम, संदेश लेखन में पिक्चर बनाना कंपलसरी है, हाँ जी बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है, उसके बाद पत्र जो है ये मार्जिन लाइन है, मार्जिन लाइन के साथ साथ लेफ्ट साइड में चलता है, इसमें भी कहीं कोई लाइन नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, अनौपचारिक पत्र है परीक्षा भवन, जालंधर, दिनांक, दिनांक सिर्फ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स में, हाँ अभी मैंने मना नहीं करवाया कि नहीं लिखना, वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको छोड़ेंगे, ठीक है, परीक्षा भवन, जालंधर, दिनांक, नोट करो ये फॉरवर्ड सब, ठीक है, उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, मान लो आप अपने बड़े भाई को लिख रहे हो, तो प्रिय भाई, पिताजी को लिख रहे हो, तो प्रिय पिताजी, माता जी, बुआ जी, चाचा जी, जिसको भी लिख रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है, जब आप अपने से बड़ों को लिखेंगे तो नमस्ते, छोटों को लिखेंगे तो शुभाशीष, ये आपको पता चल जाएगा हेडिंग पढ़ के कि आपने किसको पत्र लिखना है, राइट, हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आशा है कि आप भी ठीक होंगे, आगे समाचार यह है कि जो भी आपने बताना है लिख देंगे, ठीक है, क्लियर, यस मैम, इसके नीचे कोई धन्यवाद वगैरह कुछ नहीं लिखा जाता, यहाँ आप लिखेंगे घर में सबको यथा योग्य कहना, जैसे वो उपचार में परमाने के लिए मना करता है, उसमें निकलने के लिए नकल लगाने के लिए,
नकल लगाने के लिए, मारने के लिए नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, घर में यथा योग्य कहना डिपेंड करता है। अगर आप छात्रावास में हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे घर में सबको यथा योग्य कहना। अगर आप छात्रावास में नहीं है, भाई को लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे अपना ध्यान रखना और मुझे तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। आपको पत्र पढ़ के पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि छोटे भाई को बुरी संगति से दूर रहने के लिए पत्र, ठीक है, तो आप लिख सकते हो मुझे माता जी का पत्र मिला और पता चला कि, फिर आप लिख सकते हो घर में सबको यथा योग्य कहना, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो कि तुम्हारे अध्यापक का पत्र मिला और पता चला कि, इसका मतलब भाई वहां पर है और आप फैमिली में है, ठीक है, फिर आप ये नहीं लिखोगे, फिर आप लिखोगे आशा है कि तुम मेरी बातों की ओर ध्यान दोगे और मुझे तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। कोई बात नहीं, लिखो तो अच्छा लगता है। तो डिपेंड करता ना कि आप कैसे लिख रहे हो, आप कंटेंट क्या लिख रहे हो, उस पे ये लास्ट वाली लाइन डिपेंड करती है। क्लियर? यस मैम। लास्ट में पत्र लिखने वाला, जो भी आपने लिखना है, आपका भाई, तुम्हारा भाई, व्हाटसोएवर, तुम्हारी बहन। अब देखो प्लीज एक बात इसमें ध्यान में रखना, तुम्हारा में आधा म है, पूरा म नहीं है। पूरा म लिखोगे तो बन जाएगा तुम्हारा, तुम हार गए, तुम्हारी, तुम हार गई, नो, तुम्हारा, तुम्हारी नहीं लिखना, तुम्हारा, तुम्हारी, आधे म के साथ। क्लियर? डैश नाम डैश पता, ये मैं बार बार कहती हूँ बेटा, इसको सेम लिखना है। बच्चे फिर भी पूछते हैं मैम पेपर में अपना नाम अपना पता नहीं लिखना, नहीं लिखना, सेम फॉर्मेट चलेगा, नहीं, सेम फॉर्मेट चलेगा, डैश नाम डैश पता बेटा नहीं लिखना, नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना नहीं, ठीक है। अगर एक जगह लगा दिया दूसरी जगह नहीं लगाया फिर गलत होगा, तो हमने कहीं नहीं लगाना, ठीक है। फॉर्मेट इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद ये है कि किस किस तरह के पत्र हो सकते हैं, निमंत्रण पत्र हो सकते हैं, बधाई पत्र हो सकते हैं, किसी को कोई सीख देने के लिए पत्र हो सकते, किसी भी तरह का पत्र हो सकता है, राइट? जैसे आपने एक और है कि मित्र के दादाजी की मृत्यु होने पर सांत्वना पत्र। अब सांत्वना पत्र क्या है? उनकी डेथ हो गई, संवेदना दर्शाते हुए, संवेदना दर्शाते हुए सांत्वना पत्र, ठीक है। इसमें क्या है कि आप यहाँ पर ये नहीं लिखोगे हम सब यहाँ पर कुशल है आशा की सब ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, मुझे कल ही पता चला कि तुम्हारे दादाजी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपको लिखना ये नहीं लिखना, घर में सबको यथा योग्य कहना। यहाँ लिखोगे आशा है कि ईश्वर तुम्हें इस दुख की घड़ी में दुख सहने की, ठीक है, इस तरह से लिखना जाओ। ओके, थैंक यू बेटा।